पहुंचाएंगे पन्नू आकिल से, जहां अगवा की गई दो खवातीन को बाजियाब करा लिया गया है। मगवियों की बाजियाबी के लिए पुलिस और मुलजमान में फायरिंग हुई। बाजियाब खवातीन को पुलिस ने अहले खाना के हवाले कर दिया और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन अभी जारी है। यह हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं पन्नू आकिल से, जहाँ दो खवातीन को अगवा किया गया था और अब इन खवातीन को बाजियाब करवा लिया गया है। मगवियों की बाजियाबी के लिए पुलिस और मुलजमान के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ। बाजियाब खवातीन को पुलिस ने अहले खाना के हवाले कर दिया। इस वक्त हमारे साथ एसएसपी सक्खर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, सरदार मलिक साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इस ऑपरेशन के बारे में बताइएगा कि ये अभी भी जारी है, मुलजमान की गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकी है? जी देखिए, मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो कलोड़ा और महर बरादरी दरमियान जो तकरार शुरू हुआ वो औरतों के ऊपर शुरू हुआ। महर बरादरी का कहना था कि कलोड़ा बरादरी का लड़का है वसीम, जिसने उनकी लड़की निकाली और वो लड़की को ले गया, जिसके तैश में आने के बाद महर बरादरी के मुसल्ला जत्थों ने कलोड़ों के गाँव के ऊपर मुसल्ला होकर फायरिंग की, जिसके नतीजे में नाहक दो अफराद कत्ल कर दिए गए और तीन जख्मी हुए और दो खवातीन समेत एक बच्ची को अगवा करके ये लोग ले गए। जिसके बाद पुलिस, आपको पता है, उस वक्त से मुतहरक थी और पुलिस ने उनका ताकुब भी किया। बाद हजार पता चला कि जो कहना था कि ठीक है, ऑपरेशन अभी जारी है। बहुत शुक्रिया संघार मलिक साहब आपके वक्त का। खबरों का